इस सोलर सिस्टम ने हमसे एक बहुत ही अहम सीक्रेट छिपा करके रखा है, एक नाइन्थ प्लैनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम के छोर पर काइपर बेल्ट में हो सकता है। आज हम इस नाइन्थ प्लैनेट के बारे में जानेंगे कि यह यहाँ पे पहुँचा कैसे, हम इसे ढूंढ कैसे सकते हैं और कंप्यूटर सिमुलेशंस हमें कैसे बताते हैं कि यह काइपर बेल्ट में ही मौजूद है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पैलोमार ऑब्जर्वेटरी कैलिफोर्निया, साल 1928 में इसे बनाया गया। यहाँ 200 इंच का एक बड़ा सा टेलीस्कोप है जो कि दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप्स में गिना जाता है। यह आजकल काइपर बेल्ट का अध्ययन कर रहा है। 3 बिलियन किलोमीटर में फैला हुआ यह काइपर बेल्ट पत्थर और बर्फ के टुकड़ों से भरा पड़ा है। इन पत्थरों को हमारे टेलीस्कोप द्वारा डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। सूरज से आने वाले जितनी भी रोशनी है यह पत्थर उन्हें रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, जिनसे इन्हें देखना हमारे लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। मगर साइंटिस्ट ने एक तरीका ढूंढ निकाला है इन्हें ढूंढने का। वह यह है कि जब ये पत्थर किसी भी तारे के आगे से पार होते हैं तो उनके रोशनी में बहुत गिरावट आती है, क्योंकि यह जो है एक ग्रहण की तरह दिखता है। तो इन ग्रहण को हमारे टेलीस्कोप्स में लाइट के वेरिएशंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है। यह ग्रहण 1 सेकंड से भी कम वक्त के लिए होता है। तो इनके पास ऐसे कैमराज हैं जो 1 सेकंड में 40 इमेजेस लेते हैं। वे इन डेटा को कंप्यूटर में एक ग्राफ के तौर पर देखते हैं, जिनसे यह पता चलता है कि लाइट में गिरावट कब आई और कहां पर आई, जिनसे यह इन पत्थरों का एग्जैक्ट लोकेशंस का पता लगा लेते हैं कैलकुलेशंस के जरिए। मगर इस काइपर बेल्ट में कुछ चीज़ें तो बहुत ही बड़ी हैं, जैसे कि हमारा ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो जो कि काइपर बेल्ट से ऊपर की ओर उड़ जाता है और फिर नीचे आ जाता है। मगर इस काइपर बेल्ट में कुछ चीज़ों का स्पीड इतना एक्सट्रीम है कि लगता है इनके पीछे ज़रूर कोई फोर्स है। क्या वो मैसिव नाइन्थ प्लैनेट ये सभी बर्फ और पत्थर के टुकड़ों को स्पेस में धकेल रही है? साइंटिस्ट के अंदाजे से यह नाइन्थ प्लैनेट अर्थ से 150 बिलियन किलोमीटर दूर होगा। इससे सूरज का चक्कर लगाने में 10,000 साल लगते होंगे। इनसे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट हमारे टेलीस्कोप तक पहुंचने में 1 हफ्ता लगाता होगा। वैसे तो हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मगर अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अभी भी जानना बाकी है। एक सबसे बड़ी मिस्ट्री यह है कि नाइन्थ प्लैनेट सन से इतनी दूर कैसे बना। इसे हम एस्ट्रॉइड बेल्ट को जान करके समझ सकते हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच पाया जाता है। एस्ट्रॉइड बेल्ट को एक्सप्लोर करने से हम अपने सोलर सिस्टम के डीप सीक्रेट्स को जान सकते हैं। यह हमारे सोलर सिस्टम के इनिशियल कंडीशंस को बताते हैं, मतलब कि हमारे यह प्लैनेट कैसे बने और इनके साथ क्या क्या हुआ था। नासा के डाउन स्पेस मिशन ने 2 एस्ट्रॉयड वेस्टा और सीरीज का अध्ययन किया था जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में है। सीरीज जिसका चौड़ाई 950 किलोमीटर है, इसमें एस्ट्रॉयड बेल्ट का 1/3 मास मौजूद है। ये जो कभी प्लैनेट नहीं बन सका, इसने साइंटिस्ट को चौंका दिया जब उन्होंने एक ब्राइट स्पॉट देखा जिसमें उन्होंने पाया कि यह फ्रोजन आइस है और एक ना मिलने वाली एलिमेंट अमोनिया जो कि जमने पर बिल्कुल बर्फ की तरह दिखता है। मगर अमोनिया स्पेस में तभी बन सकता है जब ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के मुकाबले काफ़ी दूर हो, लेकिन सीरीज के करंट लोकेशन के हिसाब से अमोनिया को बनने में लिए उसे काफ़ी गर्म होना चाहिए। अगर वह इससे पहले ही बन चुका था तो उसे नेपच्यून से भी दूर होना चाहिए था, लेकिन ये अब भी सीक्रेट है कि यह यहाँ तक पहुँचा कैसे। चलिए हम वक्त में 4.5 बिलियन ईयर्स पीछे जाते हैं, जब जुपिटर और सारे प्लैनेट बन रहे थे। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब जुपिटर बन रहा था तब वह अपने ग्रेविटेशनल पुल से
हर छोटे से छोटे प्लैनेट्स को एक जगह से दूसरे जगह भेज देता था। अभी साइंटिस्ट द्वारा जितने भी सोलर सिस्टम देखे गए हैं सब में एक सुपर अर्थ मौजूद है। आप लगभग बोल सकते हैं कि यूनिवर्स के सभी सोलर सिस्टम में एक सुपर अर्थ होगा ही होगा, मगर इनमें से हमारा सोलर सिस्टम थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ कोई सुपर अर्थ दिखाई नहीं देते। इसलिए साइंटिस्ट का मानना यह है कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब जुपिटर बन रहा था तब वह इस सुपर अर्थ को अपने ग्रेविटेशनल पुल से फेंक करके उसे काइपर बेल्ट तक भेज दिया, वैसे ही जैसे सीरीज को काइपर बेल्ट से आज उसके मौजूदा जगह तक ले आया, और यही सुपर अर्थ हो सकता है। आप ये जो फोटो देख रहे हैं यह एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसमें कुछ एस्ट्रॉइड्स का ऑर्बिट दिखाया गया है। इन ऑर्बिट्स का झुकाव आप देख सकते हैं बाएं ओर की ओर है, जो कि नेपट्यून के ग्रेविटेशन के वजह से है, ऐसा साइंटिस्ट को लगता था क्योंकि उन्होंने जो कैलकुलेट किया था उस आधार पर उन्हें यही लगता था। लेकिन जब उन्होंने अपने कैलकुलेशंस को सुपर कंप्यूटर में एक सिमुलेशंस के तौर पर देखा तो उन्हें यह ऑर्बिट नहीं मिले। तब उन्होंने फैसला किया कि एक और प्लैनेट 9 को ऐड करने का, जिससे कि उसके ग्रेविटेशन के आधार पर उनका सिमुलेशंस देखने का। तो वे बड़े आश्चर्य हो गए इसके रिजल्ट से, क्योंकि उन्होंने जो ऑर्बिट्स सोचा था वही ऑर्बिट्स उन्हें मिल गए, वो भी प्लैनेट 9 के ग्रेविटेशन से। तो इस चीज़ को देखने के बाद उन्हें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि ज़रूर यहाँ पे एक प्लैनेट 9 हो सकता है। सुपर कंप्यूटर के सिमुलेशन से यह ज़रूर लगता है कि यहाँ एक 9th प्लैनेट होगा, मगर जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, यह 9th प्लैनेट सच में है और ये कभी उसी जगह पे बना था जहाँ आज पृथ्वी है? अगर आपको साइंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।